हेलो एवरीवन, वेलकम टू शार्दुल सर क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था प्रॉपर्टी ऑफ एनेंशियोमर, डायस्टीरियोमर, मीसो कंपाउंड, रेसिनिक मिक्सचर। आज हम कुछ आगे प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हम बात करते हैं ऑप्टिकल प्योरिटी। समझिए इस चीज को आप। पहले आप इसका फॉर्मूला देखें। ऑप्टिकल प्योरिटी इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन अपॉन ऑब्जर्व रोटेशन ऑफ प्योर एनेंशियोमर इनटू 100। इसको आप ऐसे समझिए, अगर आपके पास एक डेक्स्ट्रो है और एक लीवो है, दोनों इक्वल अमाउंट में है, आपने दोनों को मिला दिया, तब दोनों को आप मिलाएंगे तो वो लाइट को स्ट्रेट पास करेगा, यानी कि वो बन जाएगा आपका रेसिनिक मिक्सचर, और जो उस सोल्यूशन का नेचर होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। लेकिन अगर अब आपने एक ज्यादा लिया आइसोमर और दूसरा आइसोमर लिया कम, यानी कि डेक्स्ट्रो ज्यादा ले लिया लीवो कम ले लिया, या लीवो ज्यादा ले लिया डेक्स्ट्रो कम ले लिया, तो आपका उस सोल्यूशन का कुछ ना कुछ नेचर होगा। वो सोल्यूशन जो आपके पास है, जो मिक्सचर है, वो लाइट को किसी ना किसी डायरेक्शन में रोटेट जरूर करेगा। तो हमें उसी की बात करना है। सपोज हमने आपसे कहा कि हमारे पास जो मिक्सचर का रोटेशन आ रहा है, हमने एक्सपेरिमेंट करा और एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपको बताया गया कि मिक्सचर का जो रोटेशन है, जो रोटेशन है, ऑब्जर्व रोटेशन है, वो है 9.73। एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है पूरा। और जो आपका डी का है, ये इसका मतलब क्या हो गया आपका डेक्स्ट्रो, और जो प्योर डेक्स्ट्रो का होता है वो इतना है। तो पूछा जा रहा है कितना इसकी प्योरिटी है, ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी है। इसको समझे आप, जैसे कि ये गिवन है आपको 9.73 अपॉन ऑब्जर्व्ड रोटेशन ऑफ प्योर एनेंशियोमर इनटू 100, ये आ गया आपका 72%। इसका मतलब ये हुआ कि उस सोल्यूशन में 72% आपका डी करेक्टर है, उसके अंदर 72% करेक्टर क्या है आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जो रिमेनिंग बचा, रिमेनिंग जो 28 है वो न्यूट्रल है, वो एक्स, वो डी प्लस एल है, यानी कि आपका जो 28 है ये डी प्लस एल है, और जो 72 है ये अकेला डी है। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका इसके अंदर डी प्लस एल की वैल्यू कितनी है, वो हो गई आपकी कितनी 28%, यानी कि इम्प्योर मिक्सचर कितना हो गया, इम्प्योर मतलब डी प्लस एल, रेसिविंग मिक्सचर कितना हो गया 28 में से हाफ डी है हाफ एल है, डी कितना है 14, एल कितना है 14। तो क्वेश्चन अगर ये आया आपके पास कि टोटल डी कितना है मिक्सचर में, तो आप ऑप्टिकल प्योरिटी से निकालेंगे, आपको ये गिवन होगा, आप देखेंगे यहाँ पर पॉजिटिव है मतलब डेक्स्ट्रो, तो ये जो वैल्यू आएगी इतना डी एक्स्ट्रा है जो कि न्यूट्रलाइज नहीं हुआ, और 100 में इसको माइनस कर दोगे, ये वो है जो आपका न्यूट्रल हो चुका है। इस न्यूट्रल में हाफ लिवो होगा हाफ डेक्स्ट्रो होगा, तो डेक्स्ट्रो कितना हो गया 14, और ये कितना था 72, तो टोटल जो डेक्स्ट्रो फॉर्म है वो कितनी है 86, और लिवो फॉर्म कितनी है 14। आई होप समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम। अब बात करते हैं हम एनेंशियोमेरिक एक्सिस। ये बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आपने दो एनेंशियोमर को मिलाया, तो अगर दोनों बराबर होंगे तो वो आपका रेसिनिक मिक्सचर होगा, लाइट को कहीं भी रोटेट नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने कहा गया कि डी और एल एक डेक्स्ट्रो और लीवो इक्वल अमाउंट में नहीं है, तो कोई एक ज्यादा होगा कोई एक कम होगा, तो कौन सा कितना ज्यादा होगा, उस जो आपके पास मिक्सचर है उसका नेचर क्या होगा, वो हम निकाल सकते हैं एनेंशियोमेरिक एक्सिस से। ये बिल्कुल ऑप्टिकल प्योरिटी की तरह नहीं होता है, नाम अलग है, उसका फॉर्मूला अलग है। एनेंशियोमेरिक एक्सिस इज इक्वल टू डी माइनस एल अपॉन डी प्लस एल इंटू 100। अब क्वेश्चन में आपको दे दिया गया कि इतना डी है सोल्यूशन में, इतना एल है, तो पूछा जा रहा है एनेंशियोमेरिक एक्सिस कितना है, यानी कि उस कंपाउंड में जो अकेला उसका नेचर होगा वो कितना होगा, जो एक उस मिक्सचर का नेचर है वो कितना होगा। तो आप देखें, हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, कितना गया 72, यानी कि 72% में क्या होगा डी का नेचर होगा, यानी 72% जो होगा वो डेक्स्ट्रो होगा, और रिमेनिंग क्या होगा आपका मिक्सचर की फॉर्म में होगा, जो कि आपका न्यूट्रलाइज हो चुका होगा। अब डिस्कस करते हैं हम स्पेसिफिक रोटेशन। तो याद रखें आप, स्पेसिफिक रोटेशन अलग है और आपका ये थीटा जो ऑब्जर्व रोटेशन है वो अलग है। ऑब्जर्व रोटेशन चेंज हो सकता है कंसेंट्रेशन चेंज करने पे या पोलरीमीटर ट्यूब का लेंथ चेंज करने पे, बट अल्फा एक कंपाउंड के लिए कांस्टेंट रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। यानी कि अगर आपने कंसेंट्रेशन चेंज करा तो उसका इफेक्ट आपको थीटा पे मिलेगा, बट इस पे कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा, एक पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए ये वैल्यू सेम रहती है। तो ये स्पेसिफिक रोटेशन चेंज इन ऑरियंटेशन ऑफ पीपीएल बाय अ गिवन कंपाउंड, तो ये आपका हो गया थीटा,
अपॉन कंसंट्रेशन इनटू लेंथ। जैसे मैंने आपको बताया ये चेंज नहीं होगा, चाहे अगर ये चेंज होगा तो इसका इफेक्ट मुझे यहां देखने को मिलेगा, ये चेंज होगा तो इसका इफेक्ट मुझे यहां देखने को मिलेगा। अब एग्जांपल देखिए आप, थीटा के बिना आपको 70 पॉजिटिव मतलब डेक्स्ट्रो, और आपको कंसंट्रेशन हमेशा ग्राम पर एमएल, ये गिवन है 2 ग्राम पर एमएल, और लेंथ ऑफ ट्यूब गिवन है 1 डेसीमीटर, तो अल्फा आपका आ गया 35। तो आप याद रखें यानी कि ये पीपीएल को 35 डिग्री पे रोटेट करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो कंपाउंड आपके पास है ये, और ये आपकी फिक्स वैल्यू है, डू नॉट चेंज विद चेंज इन थीटा कंसंट्रेशन और लेंथ। थैंक यू वेरी मच।